हेलो बिरबन, आज हम बात करने वाले 200 सीसी में आने वाली बाइक कवर में। इंडिया में 200 सीसी में काफ़ी सारी बाइक आती है, नेकेड बाइक आती है, एडवेंचर बाइक आती है, काफ़ी सारी बाइक आती है, काफ़ी सारी वैरायटी मिलती है 200 सीसी में आने वाली बाइकों में। तो ऐसी हम दो बाइकों के बारे में कंपेयर करने वाले हैं। दोनों ही 200 सीसी के अंडर में आती है, दोनों ही नेकेड स्पोर्टिंग बाइक है। एक आती है होंडा की तरफ से, दूसरी आती है टीवीएस की तरफ से। दोनों बाइकों का नाम मैं ले रहा हूँ। एक है टीवीएस आरटीआर अपाची 200, दूसरी बाइक है होंडा की तरफ से आने वाली होंडा हॉर्नेट 2.0। दोनों ही काफ़ी अच्छी बाइक है, दोनों बीच कंपेयर करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं दोनों बाइक के बारे में, जानते हैं दोनों बाइकों से बेस्ट कौन सी है। सबसे पहले हम टीवीएस अपाची आरटीआर 200 4V बाइक के बारे में बात करते हैं। इस बाइक में हमें काफ़ी फीचर मिलते हैं, हमें काफ़ी अच्छी प्राइस में मिलती है। इसके फ्रंट में मिलता है हमें एलईडी हेडलाइट, इंडिकेटर भी एलईडी देखने को मिलते हैं, बाइक में भी एलईडी हेडलाइट देखने को मिलती है। इसके फ्रंट और रियर में डिस्प्ले मिलता है, जो काफ़ी अच्छी बात है। काफ़ी मोटे छोटे टायर देखने को मिलते हैं, एलओवीएस काफ़ी खूबसूरत दिए गए, बता दूँ मैं। इसके अगर इंजन की बात करें तो इसमें हमें देखने को मिलता है 197.75 सीसी का इंजन। माइलेज की बात करें तो 41.9 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देखने को मिलती है इस बाइक पे। ये बाइक जो है 5-speed गियरबॉक्स आती है। कार्बोरेटर की बात करें तो 152 kg का कार्बोरेटर मिलता है हमें। फील्डिंग कैपेसिटी की बात करें तो 12 L का फील्डिंग कैपेसिटी मिलता है इस पर। सीट हेड की बात करें तो 800 mm का सीट दिया गया इस बाइक पर। इस बाइक में हमें सिंगल इंजन एबीएस देखने को मिलता है। ब्रेकिंग बता दूँ मैं, फ्रंट में डिस्क और रियर में डिस्क मिलता है। फ्रंट में 270 mm का, रियर में भी 240 mm का डिस्प्ले देखने को मिलता है। दोनों ही टूल स्टार है, 7 inch का टूल स्टार देखने को मिलता है इसमें। पीछे सस्पेंशन देखने को मिलता है, मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलता है। काफ़ी मोटे छोटे टायर देखने को मिलता है, बड़ा सा यूज टैंक दिया है इस पर। इसकी अगर प्राइस की बात करते तो 1,42,000 प्राइस का एक शोरूम। दूसरी बाइक है होंडा हॉर्नेट 2.0। ये बाइक भी काफ़ी अच्छी है, नेकेड स्पोर्टिंग बाइक है, बता दूँ। होंडा की सबसे बेहतरीन बाइक में से एक है। 200 cc का पावरफुल इंजन मिलता है हमें देखने को। इसमें यूज से बड़ा सा टैंक देखने को मिलता है, टायर काफ़ी मोटे छोटे टायर देखने को मिलते हैं। फ्रंट और रियर में डिस्प्ले देखने को मिलता है हमें इसमें। इसके फ्रंट की बात करते तो फ्रंट में हमें एलईडी हेडलाइट देखने को मिलती है, इंडिकेटर भी एलईडी देखने को मिलती है, बैक में भी एलईडी लाइट देखने को मिलती है। इसके इंजन की बात करते तो इसमें हमें देखने को मिलता है 184.4 cc का इंजन। माइलेज की बात करते तो 42.3 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देती है। 5-speed गियरबॉक्स आती है। कार्बोरेटर की बात करें तो 142 kg कार्बोरेटर देखने को मिलता है। फील्डिंग कैपेसिटी की बात करते तो 12 L फील्डिंग दिया गया इस पर। सीट हाइट की बात करते तो 780 mm का सीट हाइट देखने को मिलता है। और ये बाइक सिंगल चैनल एबीएस दिया गया इस पर। फ्रंट में और रियर में डिस्प्ले दिया गया, फ्रंट में 276 mm का और रियर में 220 mm का डिस्प्ले। इसकी अगर प्राइस की अगर बात करते तो 1,39,000 प्राइस का एक।